इंटरेस्टिंग दिखाने लगा वो इंटरेस्टिंग क्या है, डाइनो वैली जो कि केपीके में है, इस्लामाबाद से आप एंट्री लेते हैं, जो कि 5 मिनट पहले मैंने एंट्री लिया और उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे डायनासोर दिखाने लगा हूँ, जो कि आप यूँ कह लें कि इस्लामा पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि जितनी आपने कहानियाँ सुनी हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की उन्होंने सबको एक साथ ला के ये बना दिया। चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं धामिनिकोह की तरफ, जो रास्ता जा रहा है या जो मोनाल, ऑब्वियसली मोनाल जो इस्लामाबाद में फेमस है, वन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ट्रेल भी है अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है। उसके अलावा रास्ता काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी ही मतलब मज़ा आ रहा है यार। मतलब उसके अलावा अगर आपने बीच में धामिनिकोह जाना है, अगर सिर्फ ट्रिप के लिए निकले हैं या इनकी तरह साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप साइकिलिंग का भी यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, अगर यहाँ पर हॉलीवुड का साइन लग जाता तो काफ़ी अच्छा ना होता और यहाँ से पूरा इस्लामाबाद का व्यू दिखता। और या जी मोनाल, तो मोनाल को क्रॉस करते हुए, क्योंकि मोनाल को मोनाल बोलना पड़ेगा। और अच्छा, गायें को देखें, अगर ये हमारी गायें होती तो ये नीचे गिरती और इसका बारबेक्यू बन चुका होता। तो अभी हम एंटर होने लगे हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो बिल्कुल ही करीब है, बहुत ही करीब है। चलें जी, डायनो वैली आ गई है, यानी कि डायनासोर्स वैली आ गई है। प्रे का टाइम है तो यहाँ प्रेइंग एरिया, प्रे करने के बाद वो हो रही सामने ऊपर ना, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से टिकट लेंगे। फैमिलीज़ के लिए एंट्री होती है, क्योंकि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अलाउ कर दिया, अदरवाइज आप फैमिली के साथ आते हैं। और उसके अलावा संडे ब्रंच भी होता है, अगर आप फैमिली इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप फैमिली के साथ आके ब्रंच को इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अंदर जाके पूरी वैली को एक्सप्लोर करने लगा हूँ और देखने लगा हूँ कि ये है क्या, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में सुन रखा है और काफ़ी इसकी जो है चर्चा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो ऊपर मैं जाता हूँ और क्या क्या मुझे दिखेगा वो बताता हूँ। जान आ गई इसमें, आंखें दिख रही है इसकी, ये सांस। और इस डायनो के काम चेक करें, दीवार के ऊपर चढ़ के, और अगर ये सच में होते क्या करते हैं हमारे साथ में, सोच के परेशान। और ये जो पेड़ दिख रही आम पेड़ नहीं है, ये नानी है, मैं यहाँ की स्टोरी सुनाती है। और उसके अलावा यहाँ पे झूले भी हैं, जो कि कश्ती वाला झूला, और उसके अलावा ये इस झूले का मुझे नाम नहीं पता। और उसके अलावा बड़ों के लिए भी ये व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ से ना आप जो सामने विलेज है उसको इंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा इनडोर भी काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं बच्चों के लिए, तो यानी कि अगर आप अपने बच्चे को संडे के दिन यहाँ पे लाने वाले हैं तो आप यकीन माने मेरा कि उनके लिए ये जो संडे होने वाला होगा वो यादगार होगा। कोई भी केपीके विजिट कर रहा है तो उन तक ये वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।